हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज का जो ये हमारा लेसन वीडियो है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने यारों दोस्तों को या अपने आस पड़ोस को गिटार पर गाना गाकर सुनाना चाहते हैं या स्टेज परफॉर्म करना चाहते हैं, पर उनको गिटार अभी बिल्कुल भी नहीं आता है और इसी वजह से वो निराश हो जाते हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से बस यही कहना चाहूँगा कि निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का जो ये मेरा लेसन है, इसमें सिर्फ एक आसान कॉर्ड से मैं आपको 30 प्लस बॉलीवुड सॉन्ग्स को प्ले करना सिखाऊंगा और स्ट्रमिंग भी सिर्फ एक ही होगी, जिसको मैं तीन अलग अलग आसान तरीकों से आपको प्ले करना सिखाऊंगा, ताकि अगर इस लेसन को देखते हुए भी आप गिटार प्ले करना सीख रहे हैं तो भी आप आसानी से सभी गानों को गा सकें। तो दोस्तों, लेसन शुरू करने से पहले बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट लेसन्स होंगे उनका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, लेसन की शुरुआत में मैं गिटार के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट इस वीडियो के जरिए पहली बार गिटार प्ले कर रहे हैं उनको ये वीडियो में सीखते टाइम आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। तो ये जो आप 6 अलग अलग तार देख रहे हैं, इनको स्ट्रिंग्स कहते हैं और इनको हम नीचे की साइड से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये जो आप अलग अलग बॉक्स देख रहे हैं, इनको फ्रेटबोर्ड कहते हैं। ये जो आप स्टील की पत्तियां देख रहे हैं, इनको फ्रेट्स कहते हैं। ये साउंड होल है, हमेशा हम स्ट्रमिंग या कुछ भी जो गिटार पे प्ले करते हैं वो हम यहीं पे हाथ रख के प्ले करते हैं। और इसको पिक गार्ड बोलते हैं, ये जो ब्लैक कलर की आप सनमाइका देख रहे हैं ना, इसको पिक गार्ड बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि गिटार पर जो हम जब भी कुछ प्ले कर रहे हैं तो स्क्रैच ना है गिटार पर। तो अब लेसन की शुरुआत करते हैं कॉर्ड से। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी मिडिल और रिंग फिंगर को गिटार की सेकेंड फ्रेट पर ले जाना है और अपनी रिंग फिंगर से फोर्थ स्ट्रिंग को अच्छे से प्रेस करना है और अपनी मिडिल फिंगर से फिफ्थ स्ट्रिंग को अच्छे से प्रेस करना है गिटार की सेकेंड फ्रेट पर। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था ना ये बॉक्स को फ्रेट बोलते हैं, तो ये सेकेंड फ्रेट पर फोर्थ स्ट्रिंग को आपको प्रेस करना है रिंग फिंगर से और फिफ्थ स्ट्रिंग को प्रेस करना है मिडिल फिंगर से। ये हो गया आपका ई माइनर कॉर्ड। सिर्फ दो उंगलियों का होता है ये ई माइनर कॉर्ड। आपको गैप बना के रखना है, ध्यान रखना है कि आपकी ऑल स्ट्रिंग टच नहीं होनी चाहिए आपके हाथ से। सिर्फ ये जो आपने दो स्ट्रिंग प्रेस की हुई है ये प्रेस होनी चाहिए और बाकी स्ट्रिंग जो है वो ऐसे ओपन नहीं प्ले होंगी। यही साउंड आएगा देखिए। और अंगूठा आपका फर्स्ट फ्रेट के टॉप पर रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक हैंगर के तौर पर वहां पर रखना है। कॉर्ड का साउंड आपका यही आएगा देखिए। अब हम लेसन के अगले हिस्से में बढ़ेंगे, जहां पे हम स्ट्रमिंग सीखेंगे। स्ट्रमिंग एक ही है पर हम उसे तीन अलग अलग आसान तरीकों में सीखेंगे, ताकि इन तीनों में से जो भी तरीका आपको सबसे आसान लगे आप उस आसान तरीके वाले स्ट्रमिंग को प्ले करते हुए पूरा मैशअप प्ले कर सकें। तो सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी ये दो फिंगर्स को यहाँ पे पिक कार्ड पे ऐसे यहाँ पे रख देना है साउंड होल के पास। जरूरी नहीं कि आप दो फिंगर्स रखें, अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आप एक रखिए, पर रखना जरूर है इसलिए ताकि आपका ये हाथ यहाँ पे ऐसे सेट हो जाए, ये हिले ना यहाँ से। उसके बाद आपको ई माइनर कॉर्ड की पोजिशन लेनी है, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया है। ई माइनर कॉर्ड लेने के बाद आपको दो डाउन स्ट्रोक करने हैं अपने अंगूठे से। पहला डाउन स्ट्रोक होगा सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग पे, दूसरा डाउन स्ट्रोक होगा तीसरी या चौथी स्ट्रिंग के पास से, इस तरीके से 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसकी एक्चुअल स्पीड पे एक बार बजा के दिखाता हूँ मैं आपको, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जब आप मैशअप में गाना गाओगे तो आपको इसी स्पीड पे बजाना है, इसको इसी टेम्पो पे बजाना है जो मैंने आपको अभी बजा के दिखाया। अब स्ट्रमिंग का जो दूसरा सबसे आसान तरीका है उसको हम सीखेंगे। तो सेम वही, हमें ई माइनर कॉर्ड की पोजिशन लेनी है, अपनी दोनों फिंगर्स को ये पिक कार्ड पर रखना है इस तरीके से, और अंगूठे से तीन स्ट्रोक करने हैं, दो डाउन स्ट्रोक और एक अप स्ट्रोक। तो डाउन स्ट्रोक करने के लिए सबसे पहला स्ट्रोक जो होगा वो टॉप स्ट्रिंग पर होगा, दूसरा डाउन जो स्ट्रोक होगा वो तीसरी या चौथी स्ट्रिंग पर आप कर सकते हो मिडिल में स्ट्रिंग के। और जब ये दूसरा स्ट्रोक करते हुए आपका अंगूठा नीचे चला जाएगा, दूसरा डाउन स्ट्रोक करते हुए अंगूठा आपका नीचे गया, तो जो अप है वो इस तरीके से आएगा अंगूठे से, इस तरीके से।
तो इसकी स्लो प्रैक्टिस करके देखते हैं। एक दो तीन, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। अब इसको एक्चुअल स्पीड में करके देखते हैं। डाउन डाउन अप डाउन, 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 डाउन अप। अब हम स्ट्रमिंग के तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम एक्चुअल स्ट्रमिंग प्ले करेंगे जो इस मैशअप में यूज हुई है। तो वही सेम हमें ई माइनर कॉर्ड की पोजीशन लेनी है और उसके बाद हमें पिक को होल्ड करना है अपने हाथ में इस तरीके से। ये देखिए, ये पिक है मेरे हाथ में, इसको हमें इस तरीके से होल्ड करना है। स्टार्टिंग में आप पिक से ही बजाने की प्रैक्टिस करिए, बाद में आप फिंगर से ही बजा लेगा, कोई बात नहीं। फिंगर से कैसे बजाना है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, पर आप स्टार्टिंग में पिक से बजाइए। और हमें प्ले क्या करना है, डाउन डाउन अप, तीन स्ट्रोक प्ले करने हैं, डाउन डाउन अप। तो पहला डाउन टॉप स्ट्रिंग पर होगा, सबसे ऊपर वाली, दूसरा डाउन मिडिल वाली स्ट्रिंग से होगा, तीसरी या चौथी पे, और अप आएगा सबसे नीचे से, इस तरीके से। डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। ध्यान रखिए आपका पिक पकड़ने का तरीका बिल्कुल यूं ही होना चाहिए, ऐसे मुट्ठी बंद इस तरीके से, और ये इतनी सी पिक दिखती रहेगी आपकी, बिल्कुल इतनी सी, देखिए इतनी सी पिक दिख रही है, और आपको इस तरीके से अपने हाथ को रखना है। डाउन डाउन अप, 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 डाउन डाउन अप। ये एक्चुअल स्पीड थी, जो भी आप मैशअप गाएंगे, जितने भी गाने आप गाएंगे वो इसी स्पीड पे, इसी टेम्पो पे आपको गाना है। अगर आप फिंगर से प्ले करना चाहते हैं तो अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर का ऐसे एक छल्ला बना लीजिए, इस तरीके का एक छल्ला बना लीजिए। उसके बाद सेम वही टॉप पे स्ट्रिंग के, उसके बाद मिडिल पे, उसके बाद फिर ऐसे अप लाना है। डाउन डाउन अप, 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 डाउन डाउन। तो दोस्तों ये स्ट्रमिंग के तीनों आसान तरीके थे। आपको जो भी तरीका सबसे आसान लगता है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उसको प्ले कर दो, ये पूरा मैशअप प्ले कर सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, ये ई माइनर कॉर्ड जो यहाँ पर मैंने बताया है, हो सकता है कई लोगों को ये लो लगे गाने पे, मतलब जब कॉर्ड से आप आवाज़ मैच कर रहे हैं तो आपको आवाज़ मैच करने पे गाने सारे, कुछ गाने लो लगे तो आपको गाने में अच्छा ना लगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कैपो को यूज़ कर सकते हैं। कैपो का काम क्या है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे गाने पे लो लग रहा था, तो आपने इसको फर्स्ट फ्रेट पे लगा दिया, एक फ्रेट आपकी आवाज़ ऊंची हो जाएगी, कॉर्ड पोजिशन सेम रहेगी, कॉर्ड पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉर्ड आपको ई माइनर ही प्ले करना है, बस एक फ्रेट आगे करना है, ये फ्रेट यहाँ लगा दिया। अगर आप और आगे से गाना चाहते हैं तो इसे यहाँ लगा दीजिए, जहाँ पे भी आपको अपनी आवाज़ लगे कि हाँ आप खुल के आ रहे हैं गिटार के साथ गाने में, पर कॉर्ड पोजिशन आपकी सेम रहेगी, स्ट्रमिंग आपकी सेम रहेगी। तो अभी इस मैशअप के मैं तीन चार सॉन्ग्स आपको गाकर सुना दूंगा, बाकी के सभी सॉन्ग्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सीक्वेंस बनाना चाहते हो 30 के 30 गानों का, या 30 प्लस भी गाने कर सकते हैं, उन सभी गानों का मैशअप आप अपने अकॉर्डिंग गा सकते हैं। का किनारा ये चंचल हवा।